नमस्कार। एक नया विषय 12 राशियों के लिए। ये राशिफल इतना महत्वपूर्ण है और समस्त 12 राशियां इनमें इंक्लूड की जाएंगी। इससे कई फायदे ये होते हैं कि 12 के 12 राशियों के लोगों के विचार हमें सुनने को मिलते हैं और हमारे विचार कलेक्टिवली 12 राशियों को एकदम एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। हम जो न्यूज समाचार ग्रहों की डिलीवर करना चाहते हैं समस्त लोगों को आसानी से पहुंच जाती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे शुक्र और बुध दोनों बोर्ड पर अंकित हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शुक्र के ऊपर चर्चा की जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है सुख का कारक है, मान सम्मान का कारक है, अच्छी सुख सुविधाएं तथा अच्छा खान पान का कारक है। इसके यहां आने के मायने क्या है, यद्यपि ये ग्रह इस राशि में शत्रु राशि में माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसको फलीभूत होता हुआ क्यों कहा गया है, बहुत सारे कारण हैं। हम शुरू करेंगे, इस बात की व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी राशि ऐसी है जिसके लिए इसका दुष्प्रभाव होता है और किस राशि को सबसे अधिक लाभ होता है। तो मेष राशि से ही आरंभ किया जाएगा। मेष राशि के पंचम भाव में जब शुक्र का गोचर परिवर्तन आने वाली 31 जुलाई को होगा, उससे पहले ही बुध उसी राशि में संचरण और गोचर ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे, तो दो ग्रहों से मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो मेष राशि के लिए पंचम भाव में ज्ञान बुद्धि और सुख का कारक विद्या बुद्धि, श्रेष्ठ कला कौशल, खान पान की विद्या से लेकर के समस्त सुखों के साधन को एकत्रित करने की कला शुक्र देता है, तो मेष के लिए ये ट्रांजिट बहुत शुभ फल देने वाला है। क्योंकि हम सिर्फ अकेले शुक्र की बात की है, लेकिन इंक्लूड करना पड़ता है बुध को, क्योंकि बुध को नकारा नहीं जा सकता और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अब लोग इस, चूंकि 12 राशियों का कलेक्टिवली है, तो हम मेष राशि के सारे और ग्रहों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, उनका अलग प्रभाव है, उसकी अलग से चर्चा होगी। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे शुक्र और बुध का जो प्रभाव है, ये सुख का कारक है, क्योंकि चौथा भाव माता मित्र मकान सवारी पशु और सुख के साधन जुटाने वाला स्थान है। तो आपकी राशि का स्वामी यानी कि वृषभ का स्वामी जब चतुर्थ में आ जाएगा तो सुख का कारक बन जाएगा। मिथुन राशि के तीसरे भाव में चल रहे बुध और शुक्र के गोचर को इस आईने में देखना चाहिए कि मिथुन के पंचम भाव का स्वामी जब अपने मूल त्रिकोण से एकादश भाव में होगा और मिथुन राशि का स्वामी स्वयं सुख के कारक शुक्र के साथ होगा, तो शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। बहुत से लोगों को हमारी हिंदी पसंद नहीं आती, बोले क्लिष्ट भाषा में बात करते हैं, इजी बोल, तो इजी बोलने की कोशिश करेंगे। कर्क राशि पर दूसरे स्थान पर सेकंड हाउस में शुक्र और बुध का गोचर लक्ष्मी नारायण योग बनाकर इसलिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र के सुख का कारक चतुर्थ भाव शुक्र की राशि है, और इसके अलावा आपके भाई बहन और खर्च स्थान इनकम हाउस से सेकंड हाउस
द्वादश भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी भी लक्ष्मी नारायण योग बना करके आपके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने वाला हाउस है। ये धन कुटुंब और वाणी का स्थान है तथा आपकी आकर्षक और मनमोहक दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली वाणी का स्थान है। वहां पर शुक्र और बुध की युति को लक्ष्मी नारायण योग के रूप में देखा जा रहा है। अब सिर्फ उसकी बात करेंगे जिसकी राशि पर ये आनंदित करने वाला युति का जो योग है शुक्र बुध का, उसी पर चल रहा है, वो है सिंह राशि, सिंह लग्न। मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा, मेंशन करना चाहूंगा इस बात को कि 12 के 12 राशियां और 12 के 12 लग्नों पर ये साइड इफेक्ट ना कह करके इसको पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे। सिंह राशि पर चल रहे गोचर में शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग, यानी कि लक्ष्मी आती ही आती है, आप सुशोभित होते हैं, आप सम्मानित होते हैं, आपको अलंकृत करने के लिए वाण्य का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृताधारित संस्कार कौन देता है? शुक्र और बुध, तो अलंकृत भी यही कराता है। मान सम्मान क्यों मिल रहा है? क्योंकि दशम में मंगल और बृहस्पति की युति भी है, तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन माना जाएगा सिंह राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए द्वादश भाव में सुख का कारक बनता है शुक्र, भले ही शत्रु राशि में। प्लस पॉइंट क्या हुआ? कन्या लग्न कन्या राशि का स्वामी द्वादश, और कन्या राशि के सेकंड हाउस तुला राशि का जो मूल त्रिकोण है, भाव है वो तुला है शुक्र का, वो उसका स्वामी भी। ज्योतिष शास्त्र में फल दीपिका बृहद जातकम जैमिनी सूत्र से लेकर के मान सागरी एवं भृगु संहिता एवं चमत्कार चिंतामणि तक बड़े बड़े ग्रंथ ये कहते हैं कि तुला राशि तुला लग्न से एकादश भाव में जब शुक्र की संचरण या युति हो या उपस्थिति हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिलते हैं। सेम कंडीशन है कि जब कन्या लग्न कन्या राशि होगी तो दूसरे भाव में शुक्र की राशि होगी तुला, और उसका स्वामी जब कन्या के 12th हाउस में जाएगा तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा। ये ठीक इसी प्रकार की पोजीशन बनती है शनि के लिए, ये चर्चा का विषय लंबा हो जाएगा। तुला लग्न तुला राशि के जब 11th हाउस में ये युति बनी है शुक्र और बुध की कॉम्बिनेशन, इसको महालक्ष्मी नारायण योग इसलिए कहते हैं क्योंकि आज की तारीख में जब तुला राशि के पंचम भाव में मूल त्रिकोण में शनि और मूल त्रिकोण का ही स्वामी शुक्र अच्छी पोजीशन में होगा, और साथ ही साथ आपके धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी भी मंगल है, और मंगल की जो पोजीशन है इस समय वो अलग स्थिति में नहीं कही जा सकती क्योंकि बृहस्पति के साथ होना बलदायक कहा गया है। अब हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि पर 10th हाउस में देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनि, सप्तम भाव में मंगल और बृहस्पति, और दशम भाव यानी कि चारों केंद्र को अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी पोजीशन आपकी दशम भाव जो कर्म स्थान है आपका वो बना हुआ है, क्योंकि कर्म स्थान पर बैठे लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले शुक्र और बुध जो युवराज भी हैं, गणित के विशेषज्ञ हैं, सुख का कारक शुक्र आपकी राशि को वैभवशाली समृद्धशाली और समस्त सुखों से परिपूर्ण करता है। धनु लग्न और धनु राशि के भाग्य स्थान पर जब ये योग बनेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपके जो भाई बहन हैं उनके लिए शुभत्व प्रदान करेगा,
उन आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा। और शनि की युति किसी ग्रह के साथ नहीं है, अपितु मंगल और बृहस्पति की युति आपकी कुंडली, आपके लग्न में, छठे भाव में, आपके भाग्य स्थान में शुक्र और बुध का होना अच्छा संयोग का कारक और कारण बनता है। मकर राशि के अष्टम भाव में अच्छा परिणाम इसलिए देते हैं बुध और शुक्र, क्योंकि आपके भाग्य स्थान, आपके कर्म स्थान दोनों के स्वामी एक जगह बैठे हैं और देखते कहां है वो, उनकी दृष्टि कहां है, आपके धन कुटुंब वाणी इस स्थान पर है। तो अगर वहां आपको स्वस्थ करते हैं, आपकी आयु वृद्धि करते हैं अष्टम भाव में, तो उधर धन लाभ भी कराते हैं, अच्छी वाणी से सुसज्जित करते हैं आपको। कुंभ राशि के लिए आपके सप्तम भाव केंद्र भाव में ही कुंभ राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए, और दोनों ग्रह कौन, बुध और शुक्र सिंह राशि में कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में बैठकर कुंभ राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जहां पर शनि है उस शनि का संबंध देखिए उन दोनों से क्या है, मित्र भाव है। ये बात अलग है कि आपके चतुर्थ भाव में, कुंभ राशि वालों की बात कर रहा हूं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल और बृहस्पति एक इस प्रकार का अच्छा संयोग बनाते हैं कि आपकी राशि को देख लें। और मजे की बात यह है कि आपके जो कुंडली के अंदर जो अष्टम भाव है उसका स्वामी बुध है, और चतुर्थ भाव जो है क्या है, शुक्र, इन दोनों के स्वामी, और आपके पंचम और आपका भाग्य स्थान पंचम नवम दोनों के स्वामी त्रिकोण, ऐसे त्रिभुज बना करके पिरामिड होता है ना, तो ये ज्योतिष में इसको कॉम्बिनेशन को सबसे अच्छा मानते हैं। तो वो दोनों के दोनों ग्रह आपके सप्तम भाव में केंद्र में आ गए हैं, तो ऐसा होने से, उन दोनों ग्रहों को केंद्र में आने से शक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझना, इसकी जो गहराई है समुद्र से भी अधिक गहराई है। जिंदगी भर हरि अनंत हरि कथा अनंता, पता नहीं कितने ज्योतिषी आए और चले गए, ज्योतिष की गंभीरता को पहचानना बहुत मुश्किल है। हर रोज एक नए फार्मूले से मुलाकात होती है, अध्ययन करते करते नया फार्मूला मिलता है, रोज एक नए प्रेडिक्शन का सूत्र मिलता है। अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के छठे भाव को देखिए, छठा भाव क्या है, अष्टम भाव का स्वामी छठे शत्रु राशि में है। अब इस बात की गंभीरता को देखें कि पंचम भाव कैसा है आपका, इसकी चर्चा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा और वहां पर है सूर्य। लेकिन आपके केंद्र भाव को अगर हम मजबूती से देखें तो केंद्र को बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु और केतु हैं सेंटर में, 11th 12th हाउस का जिक्र नहीं है। छठे भाव में पीड़ा पहुंचाने वाले ये दोनों ग्रह तो हैं। अब यहां दिक्कत क्या है, मीन राशि के सप्तम और अष्टम इन दोनों की निकटता भी है, पड़ोसी भी है, मित्रता भी है, इनके मित्र भाव एक साथ बैठे हैं शुक्र और बुध, ये बना रहे हैं क्या, ये बना रहे हैं आपके लिए महालक्ष्मी नारायण योग। कारण क्या है, आपका तीसरा भाव जहां पर गुरु है, गुरु की और मंगल की युति उस भाव पर है, ये आपके भाग्य को तो मजबूत कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई पाप ग्रह आपको हानि पहुंचाता है तो वो हानि नहीं पहुंचा पाएगा।
ये 12 भावों में शुक्र और बुध का मैंने वर्णन किया। एक और अच्छे वीडियो के साथ फिर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।